तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस बात की जानकारी खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ शानदार बैठक हुई। मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देता है। हमने विभिन्न विषयों पर एक स्वस्थ और व्यापक बातचीत की। भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय और जमा राशि पर ब्याज दर घटने के विरोध में कुछ कर्मचारी यूनियन आज देशव्यापी हड़ताल पर है। इससे बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में पहले ही सूचित कर दिया था। INX मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। CBI के केस में पी चिदम्बरम को 1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है, लेकिन इस बेल के बाद पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में रहेंगे क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। भारतीय सेना की ओर से रविवार सुबह टंगडार सेक्टर से गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना ने कल देर रात को पूंछ में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार से भारी गोलाबारी की। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स की कठुआ जिले के हरिनगर सेक्टर में भारी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों करमारा गांव में पाकिस्तानी मोर्टारों के 3 गोलों को निष्क्रिय कर दिया जो आबादी क्षेत्र में गिरे थे। पाक की नापाक हरकतों पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कल पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, हम आतंकी कैंपों को बर्बाद कर देंगे और अगर ये बाज नहीं आए तो हम अंदर तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राज्य के लोगों से कहना चाहता हूं कि 1 तारीख से नया कश्मीर होगा, उसमें ये अपनी हिस्सेदारी दें और अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने राज्य की प्रगति के लिए काम करें। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने एक बार फिर परमाणु युद्ध की धमकी दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत के साथ इस बार पारंपरिक युद्ध नहीं होगा। आपकी बार 4-6 देश तोपें नहीं चलेंगी, हवाई हमले या नेवी के गोले नहीं चलेंगे, सीधे परमाणु युद्ध होगा। पाकिस्तान ने भारत का नाम लिए बगैर जंग की धमकी दी है। तमिलनाडु व केरल के कई बड़े इलाकों में भारी बारिश से एक बार फिर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। सबसे बुरा हाल उत्तरी कर्नाटक और तमिलनाडु का है। बारिश की वजह से तमिलनाडु के रामनाथपुरम के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने कल 2017 के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 के मुकाबले 2017 में हत्या के मामलों में 5.9% की कमी आई है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध के मामले बढ़े हैं। साल 2016 से 2017 के बीच यूपी बिहार में हत्या, लूट और रेप के मामले ज्यादा दर्ज हुए। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज किए गए। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पहली बार लेट से स्टेशन पहुंची। अब लेट होने के चलते यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शनिवार को ये ट्रेन दोनों तरफ से लेट से चली। इस ट्रेन का नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने का समय 12:25 है, लेकिन ये गाड़ी 3:40 पर स्टेशन पहुंची। इसके बाद रात को भी ये ट्रेन लखनऊ 11:40 पर पहुंची, जबकि इसे रात 10:05 पर पहुंचना था। अब इन सभी यात्रियों को लेट होने के कारण मुआवजे के तौर पर ₹250 दिए जाएंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कल कहा कि बीते 90 वर्ष से संघ को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि समाज एक है और हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। भागवत ने यह भी कहा कि वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर में मतदान करने के बाद संघ प्रमुख ने संवाददाताओं से बातचीत में यह बयान दिया।
भारत ने रांची टेस्ट मैच के चौथे दिन यानी आज दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इस धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा, हम दुनिया में कहीं भी जीत सकते हैं। खेल के नतीजे काफी हद तक माइंडसेट और मेहनत पर निर्भर करते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने के लिए आपको हर विभाग में बेस्ट होना पड़ता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।